Praise the Lord to everyone and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. May this day bring make you a fruitful and useful vessel in the hand of God. और होने दे आज के दिन आप परमेश्वर के हाथों में एक फल लाने वाले एक उपयोग में आने वाले बर्तन के समान होने पाए. Remember we are meditating on 1 Thessalonians chapter 1. और याद रखिए हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके पहले अध्याय पर अपने मनन को रखे हुए हैं. Verses 5 to 10. और पांचवें वचन से लेकर दसवें वचन तक. Now the last two meditation. और पिछले दो मननों में we have looked into what verse 5 हमने पांचवें वचन की ओर अपने मनन को रखा. And today we shall look into verses 6 and 7. और आज की सुबह हम छठे और सातवें वचन की ओर देखेंगे. And in verse 5, और पांचवें वचन में Paul describes the way the gospel was presented to the Thessalonians. पौलुस उस बात की वर्णन करता है कि कैसे सुसमाचार उन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के पास आया. Let us listen what verses 6 and 7 say. और आइए हम सुने और समझे कि छठे और सातवें वचन में क्या लिखा है. तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने. In these two verses, और इन दो वचनों में Paul gives an equally full description of the way the gospel was received by the Thessalonians. Paulus इस बात का वर्णन करता है कि किस रीति से सुसमाचार को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने ग्रहण किया. Remember, verse 5 talks about the way the gospel came to them. याद रखिए पांचवा वचन बात करता है कि कैसे सुसमाचार उनके पास गया. So these two verses, verses 6 and 7, talks about how the Thessalonians received. और ये दो वचन 6 और 7 वचन बात करता है कि कैसे इन विश्वासियों ने जब इनके पास वो सुसमाचार गया उसे ग्रहण किया. Paul was sure that the way the gospel was presented to them. और पौलुस बड़ा सुनिश्चित था इस बात को लेकर कि जैसे सुसमाचार को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया was a right choice. वो एक सही चुनाव था. Because of the effect it produced. क्योंकि वो प्रभाव जो उसने डाला produced in the Thessalonian believers, those who believed it in their lives. और वे जिन जो प्रभाव उनके जीवनों पर आया जिन्होंने इस वचन को सुना और उस पर विश्वास किया. Effect was so dramatic और वो प्रभाव इतना कार्यशील था and so real that they became imitators of Paul and of Christ. और वो प्रभाव इतना कार्यशील और इतना प्रयत्नशील था इतना मजबूत था कि वो पौलुस और दूसरे दासों के पीछे चलने वाले बन गए. And there are five things we need to take note of. और यहाँ पर पांच ऐसी बातें हैं जिनके पर हमें ध्यान लगाना है. They welcomed the message and were converted. उन्होंने उस सुसमाचार का स्वागत किया और मन परिवर्तन किया. And they did so in spite of a severe persecution. और उन्होंने ये तब भी किया जब वो एक बड़े सताव से होकर निकले. And the resultant suffering. और उसका जो परिणाम ये था कि उन्हें दुख उठाना पड़ा. But in spite of all that, लेकिन इन सारी बातों के पश्चात they received the message. उन्होंने फिर भी उस संदेश को ग्रहण किया. तीसरी बात, in such a difficult situation, ऐसी एक बड़ी कठिन परिस्थिति में Thessalonians experienced a joy. थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने एक आनंद को महसूस किया which could come only from the Holy Spirit. जो कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से आ सकता है. Not from any human source. ना कि कोई मानवीय स्रोत से. And fourthly, और चौथी बात, they were transformed to the point of becoming imitators of Paul and of Christ. कि वो इस क्षण तक बदलते चले गए कि वो पौलुस और परमेश्वर को के उसको उसके अनुसार और उनके जैसे चलने लगे. And fifthly, और पांचवी बात, their spiritual growth was so rapid. उनका आत्मिक बढ़ना इतना तेजी से हुआ and so genuine और इतना वास्तविक हुआ that they became a model to
all the believers and churches in Macedonia and Achaia. कि वो दूसरे विश्वासियों के लिए अखाया और मकिदुनिया के नगरों में एक उदाहरण बन गए. First, the gospel came to them. पहले वो सुसमाचार उनके पास आया. It came to them in words. वो शब्दों में उनके पास आया. And with power. और सामर्थ के साथ आया. And with deep conviction. और बड़े गहरे कायलपन के साथ आया. And with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ आया. And secondly. और दूसरी बात. They welcomed the gospel. उन्होंने सुसमाचार का स्वागत किया. Now here is a heathen city. और यहाँ पर हम एक गैर यहूदियों के शहर को देखते हैं. With the heathen people. और यहाँ पर वो गैर विश्वासी पाए जाते हैं. Never acquainted with the gospel before. जिन्होंने कभी भी पहले कभी सुसमाचार को नहीं सुना था. First heard it from Paul and his companions. और पहले ही उन पहली बार उन्होंने सुसमाचार को पौलुस और उसके साथियों से सुना. And they welcomed the gospel. और उन्होंने सुसमाचार का स्वागत किया. Believed in it. और उस पर विश्वास किया. And were thoroughly and completely converted. और बड़ी पूरी रीति से और संपूर्ण रीति से वो परिवर्तित हो गए. Here is God's elective purpose at work. और यहां पर हम परमेश्वर के चुनाव के कार्य को देखते हैं. And my friends, मेरे प्रिय मित्रों, I am inspired to talk about this to all of you. मैं प्रोत्साहित हुआ हूं कि मैं इन सारी बातों के विषय में आप सबसे बात करूं. Because when we follow the same pattern, क्योंकि जब हम इसी रीति से आगे बढ़ते हैं, we too shall witness the same kind of result. तब हम भी ऐसे परिणामों को अपने जीवन में देखेंगे. And spiritual advance was only possible after they first welcomed the message. और वो आत्मिक बढ़त तभी संभव थी उसके पश्चात कि पहले वो उस संदेश का स्वागत करें. And so they welcomed the message. और इसलिए उन्होंने उस संदेश का स्वागत किया. In spite of, there are few things that let us notice. In spite of severe persecution. यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें देखनी हैं कि बड़े ही सताव के बजाय उन्होंने स्वागत and किया. Severe suffering. और बड़ी गहरे दुखों के बाद भी उन्होंने उसका स्वागत the किया. The unbelieving Jews, और Jewish people in Thessalonica, caused considerable opposition. और वे यहूदी जो थेसलोनिका के नगर में पाए जाते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बड़ी रीति से इस बात का उनका सताव किया. And the opposition was directed first to the preachers themselves. और पहले वो विरोध तो प्रचारकों की ओर था. And secondly, it was also directed towards the those who embraced the gospel message. और दूसरी बात, वो विरोध उन लोगों के लिए भी उन्होंने बढ़ाया आगे जो उस समाचार को सुनकर उसके अनुसार चलने लगे. And let me point out this truth. और मैं इस सच्चाई को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं. The genuine authentic gospel preaching always arouses hostility. और याद रखिए, एक सच्ची सुसमाचार का संदेश या प्रचार हमेशा विद्रोह को लेकर आएगा. These believers were like the three Hebrew children in the book of Daniel. और ये यहूदी उन तीन व्यक्तियों के समान थे जो दानियल नबी की पुस्तक तीसरे अध्याय में हम देखते हैं. Daniel chapter 3 verse 25 especially you can check. और ये विश्वासी थे लिस्नियों के नगर के उस समान उन तीन इब्रानियों के समान थे जिन्हें हम दानियल नबी की पुस्तक तीसरे अध्याय 25वें वचन में पढ़ते हैं. And they had Christ with them. लेकिन उनके पास मसीह था. The hotter the fire became, और जितना ज्यादा वो गरम आग होती चली गई, the more they rejoiced. और उतना ज्यादा ही उन्होंने आनंद मनाया. They rejoiced and walked with Christ. और उन्होंने आनंद मनाया और प्रभु यीशु के संग चले. And one way of countering the fierce power. और एक तरीका जिसके द्वारा हम भय के सामर्थ्य या शक्ति से लड़ सकते हैं. And the fire's power. और उस आग की शक्ति से लड़ सकते is हैं. Is to become more conscious of Christ and the Holy Spirit. वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को और ज़्यादा अपने जीवन में जानें. These are the days
when we go through persecution. और ये ऐसे दिन हैं जिनमें हम सताव से होकर निकलते हैं. Let me speak to those who are suffering. और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो सच में दुख उठा रहे हैं. And it may come to some of the listeners of this meditation. और हो सकता है वो जो इस मनन को सुन रहे हैं आप भी उनमें से कुछ हैं. How do we counter the fiery trials? कैसे हम उन आग भरे रास्तों और परीक्षाओं का सामना करते हैं? Become more conscious of Jesus Christ and the Holy Spirit than of the persecution. आप प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को और ज्यादा जानने और महसूस करने लगे उसकी बजाय कि आप सोचे उस सताव के विषय में. Who is with me? कौन मेरे संग है? Yes, the three Hebrew children, they experienced Christ's presence and they began to rejoice inside the fire. और हाँ, ये सत्य है कि उन तीन इब्रानियों बेटों ने प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को महसूस किया और उस आग की भट्टी में भी वो चलने लगे. And you see, Christ never promised us that he will save us from the fire. और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये वादा नहीं किया कि वो हमें आग से बचाएगा. But he promised one thing. लेकिन उसने एक वादा किया है. When you are in the fire, जब तुम उस आग में होगे, he will come inside that fire. वो उस आग में चला आएगा. And he will be with you. और वो आपके संग खड़ा रहेगा. And he saves you inside the fire. और वो उस आग के भीतर भी आपको बचाएगा. And because they were filled and kept filled by the Holy Spirit. और क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे थे और निरंतर पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर था. And the Holy Spirit revealed Christ to the Thessalonians. और पवित्र आत्मा ने उस प्रभु यीशु मसीह को उस थिस्सलोनिको के विश्वासियों को प्रकट किया था. In an ever increasing manner. और एक बहुत ही बढ़ते हुए क्रम में. They were not only filled with the Spirit, but the Spirit of God kept them filled. और ना केवल वो पवित्र आत्मा से भरे थे, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन्हें निरंतर भरे रखा. And persecution has not deterred the Thessalonian believers. और इसलिए उस सताव ने उन्हें हिलाया नहीं. They received the word. उन्होंने वचन को ग्रहण किया. And continued to welcome it. With spirit-given joy. और निरंतर उसका स्वागत करते रहे उस आत्मा के आनंद जो उन्हें प्राप्त हुआ था उसके द्वारा. And so the joy was overwhelming. और इसलिए वो आनंद बड़ा परिपक्व और बहुतायत से था. The overwhelming power of the joy of the Holy Spirit quenched the fire's power. To weaken them. और उनके आनंद वो बढ़ता और बहुतायत के आनंद के सामर्थ जो पवित्र आत्मा से उन्हें प्राप्त हुआ उस आनंद के सामर्थ ने उस सताव की आग को बुझा दिया. And I pray. और मेरी प्रार्थना ये है. That you become more conscious of the presence and the loving embrace of Jesus Christ. कि आप than the persecution. Itself. कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के और ज्यादा गहरे नजदीक आ जाए उसकी बजाय कि आप उस सताव के विषय में सोचें. So I can see that there is a threefold joy overwhelming the believers. और मैं देखता हूं वो तीन रीति से एक आनंद ने उन विश्वासियों को. The Bible talks about. और वचन इस विषय में बात. The joy of God's salvation. और परमेश्वर के उद्धार का आनंद. And then the joy of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का आनंद. And then the joy of the Lord, which is their strength. और परमेश्वर का आनंद जो उनकी शक्ति है. So these threefold joys join together. और इसलिए त्रिएक आनंद एक साथ मिलकर उन्हें प्राप्त हुआ. And he was overwhelming and overflowing. और ये आनंद उनके जीवनों से परिपूर्ण उन्हें भर गए और उस आनंद से भर कर वो आनंद उनके जीवनों से बाहर बहने लगा. Hallelujah. And that's the way you can be strong and firm in your faith
even in the midst of the fiercest of trials in your life. और इसी के द्वारा आप अपने जीवनों में बने रह सकते हैं, हियाव के संग खड़े रह सकते हैं उन आग की परिस्थितियों में भी जब आनंद परमेश्वर का आपके जीवन में। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। As you live this Christian life, जैसे आप इस मसीही जीवन को जीते हैं, you are saved. आप बचाए गए हैं। And the grace of God will keep you saved. और परमेश्वर का अनुग्रह आपको निरंतर बचाएगा। You are filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। And the Spirit will keep you filled always. पवित्र आत्मा आपको निरंतर भरा हुआ रखेगा। And the joys of the salvation, the joy of the Holy Spirit, and the joy of the Lord will be so overwhelming. और परमेश्वर के उद्धार का आनंद, परमेश्वर की शक्ति का आनंद आपके जीवनों में बहने लगेगा। That the trials and difficulties and storms in life will their power would be quenched. और जीवन की परीक्षाएं, जीवन की वो तूफान और सारी परेशानी और सताव की वो आग बुझ जाएगी। So Lord, we thank you. और इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। For the life in Christ. वो जीवन जो हमें प्रभु यीशु में मिला। That we are privileged to have it within us. और हम सौभाग्यपूर्ण हैं कि हमारे भीतर वो जीवन है। Now we know how even in the midst of fiercest trials and difficulties and even persecutions, how we can be joyful and find strength in the joy of अब हमें पता है कैसे इन परीक्षाओं के बीच में भी हम अपने आनंद को पा सकते हैं और आनंदित बने रह सकते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Amen. Amen. And may the Lord bless you today. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Have a great day. एक महान दिन में आपका बीते। At the end of the day, उस दिन के अंत में you can rejoice. आप आनंद मना सकते हैं। Amen. Amen.